बताओ बताओ बताओ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो मॉर्निंग में अभी बना रहे हैं हम छोले। अभी तक थोड़ा सा प्रोसेस हो चुका है और बस अभी चढ़ाया है कुकर में, उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। बने रहिए व्लॉग में। फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ देहाती छोले बनाने के लिए। और यहाँ पे है मेरे पास एक मोबाइल जिसमें मैंने यूट्यूब खोल के रखा है, वहाँ पे टिप्स मैं देख रहा हूँ। कुछ कुछ आती मुझे पहले से, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज कुछ स्पेशल बनाया जाए और पूछेंगे इसका फीडबैक अपनी वाइफ से कि कैसा लगा उसको। ठीक है, तो बने रहिए व्लॉग में। ठीक है, अभी बस हमने मसाले दे दिए हैं, मसाले देने के बाद फिर ये छोले डालेंगे। हो चुका है हमारा मसाला तैयार। और ये देख, छोले डाल दिए हैं, आलू डाल दिया है। अब बस थोड़ी देर के लिए होने दे और फिर पानी डाल देना है और हमारा छोला रेडी। तीनों के बाद एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ छोले बनाने के लिए। ये हमारा भी बस हो गया है, इसमें बस पानी डालना है और सीटी लगानी है। I
can't wait. A first time, a first day. You're so fine. Finally, सीटी आने वाली है. खुशबू तो काफी अच्छी आ रही है. आई आई आई, पहली सीटी आएगी. तीन सीटी लगाएंगे इसमें. और अभी जो है चावल हमारे पास बना नहीं, रोटी हमें आती नहीं बनने के लिए. सबसे पहले अभी चावल देंगे. बस एक सीटी आ जाए उसके बाद चावल चढ़ाएंगे. आजा भाई आजा. तो गाइस फाइनली अभी एक सीटी लग चुकी है, बस दो सीटी और लगेगी. तब तक मैं चावल चढ़ा देता हूँ. रोटी मुझे नहीं आती है बनाने के लिए, थोड़ी थोड़ी आती है, सर्कल हो नहीं पाता है. फिर कभी आपको वो भी दिखाएंगे. आप सोचेंगे कि लाइक मॉर्निंग में ही स्टार्ट हुआ है, बस ये किचन वाली चल रही है. ये किचन वाली ब्लॉग मतलब हमारा चैनल नहीं है जिसमें हम फूड से रिलेटेड ब्लॉग बनाते हैं. मतलब बेसिकली क्या, डेली ब्लॉग बनाते हैं तो सारे चीज़ आपसे शेयर कर रहे हैं, जो हमारा लाइफ स्टाइल है बस वही. ठीक है, तो चलिए चलते हैं. पहले चावल देते हैं और फिर लंच करते हैं. सुबह से बस वही थोड़े चने वने जो भी हमने भिगोए थे वो सारे खा लिए. वो तो काफ़ी अच्छी आ रही है, पता नहीं कैसा लगेगा. पहले बनाता था लेकिन कुकर में फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ. ठीक है, फीडबैक पूछेंगे अपने तो खाएंगे, ट्राई करेंगे, फिर वाइफ को भी पूछेंगे कैसा लगा है. हो गया है चावल हमारा, ये भी हो गई है. बस इसमें सीटी लाइक लग चुकी है. अभी कुछ देर बाद इसको ओपन करेंगे. अब चावल क्या मांड निकाल लेते हैं हम लोग. इधर जो है इसका चावल को मांड निकालते हैं, नहीं तो समटाइम्स जो है यहाँ पे कुकर में ही बनाते हैं तो उसमें पानी अपने आप चली जाती है. इसमें क्या होता है, पानी निकालना पड़ता है. तो चलिए पहले इसको पसाते हैं चावल को. चावल बच चुका है, गर्मा गर्म चावल. अब है बारी छोले निकालने की. देखते हैं कि कैसा बना है. वाओ, टेस्टी लग रही है. चलिए टेस्ट करते हैं. अक्सर बोला जाता है कि जो खाना बनाते हैं उसको स्वाद नहीं लगता है. अब मैं टेस्ट करता हूँ और मुझे तो लाइक अच्छा लगेगा क्योंकि खुशबू अच्छी आ रही है. बस देखना ये होगा कि मेरी वाइफ को अच्छा लगता है या नहीं लगता है, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा. वो आएगी उसके बाद. अभी बाहर गई है इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा काम में हाथ बटा दिया जाए, मैं भी खाना बना लेता हूँ. थोड़ा ट्राई करता हूँ एक बार, कभी कभी तो बना ही लेता हूँ. बाकी चीज़ें कुछ स्पेशल बनाने के लिए यूट्यूब को मैंने हेल्प लिया. एक यूट्यूबर एक यूट्यूब की हेल्प नहीं लेगा तो किसकी हेल्प लेगी. ठीक है, तो उसको ट्राई करते हैं. पहले छोला ट्राई करते हैं यार. जबरदस्त ग्रेवी है, मजा है. सुपर्ब. मस्त. आप में से कितने लोगों ने लाइक जेंट्स से सवाल है, मतलब पुरुषों से सवाल है, लड़कों से सवाल है, आप घर में बनाए हो छोले बनाए हो और क्या कौन कौन सा मसाला डाले हो, मैंने कौन सी चीज़ें मिस कर दी जो मुझे डालनी चाहिए. तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ताकि इन फ्यूचर यदि मैं बनाता हूँ तो उन चीज़ों का सारा कुछ मैं यूज़ कर सकता हूँ. ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ ट्रैवल ब्लॉग तो मैं डालता ही हूँ. ठीक है, ट्रैवल ब्लॉग डालता हूँ, ट्रैवल टिप्स से रिलेटेड डालता हूँ, कहीं घूमने के लिए जाता हूँ तो डालता हूँ. ठीक, और डेली व्लॉग्स मैं सोच रहा हूँ कि हर संडे या सैटरडे को जो है मतलब थोड़ा फ्री रहता हूँ तो
सैटरडे संडे को डेली व्लॉग्स पार्ट वन पार्ट टू करके ऐसे करके डालूंगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना यदि आपको मजा आ रहा है तो थोड़ा सा भी, और हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चाहे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि लाइक हमारा मोटिवेशन बढ़े। और इसी तरह से बहुत सारी वीडियोस ट्रैवल टिप्स जनरली मैं देता हूँ, ट्रैवल टिप्स और ट्रैवल व्लॉग रिलेटेड एंटरटेनमेंट वीडियोस, डेली व्लॉग भी अब अपलोड कर सकूँ, क्योंकि फ्लाइट में सफ़र करना ये सब करने के लिए थोड़ा सा मतलब बजट होने चाहिए ना, तो हमेशा ट्रैवल करना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो बीच बीच में आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए इस तरह के वीडियोस भी मैं डाला करूँगा। तो अब जो है फाइनली थोड़ा सा पढ़ाई कर लेता हूँ और वीडियो एडिटिंग बची है थोड़ी, उतना देर तक मैं बना लेता। तो लैपटॉप जो वीडियो एडिट करके मैंने रखा था ऑलरेडी ये स्विच ऑफ हो गया। लैपटॉप भी एक मुझे लेना पड़ेगा, ये बहुत ही पुराना लैपटॉप है और लाइक एक वीडियो एडिट करने में मुझे कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, इतना मेहनत से मतलब हम लोग वीडियो एडिट करते हैं। 8 से 10 मिनट के वीडियो मतलब दिन भर बनाते हैं और उसके बाद कम से कम एडिट करने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि ये जो है ना हैंग काफ़ी ज़्यादा होता है। यदि अच्छे क्वालिटी पे बनाओ, लाइक लो क्वालिटी पे होती है तो मतलब जल्दी नॉर्मली हो जाता है, हैंग नहीं होता है। अभी क्या है देखो, जैसे ओपन किया तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, धीरे 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 ओपन होते हैं। ठीक है, वेलकम बैक टू द व्लॉग्स। तो लंच करने के बाद काफ़ी अच्छी नींद आई, नहाने के बाद तो सो गया था मैं, अभी उठा हूँ, जस्ट जा रहे थोड़ा सा फिर वॉकिंग करने के लिए, इवनिंग वॉकिंग करने के लिए। उसके पहले जो है बिस्तर जो काफ़ी फैला पड़ा है, पहले इसको अरेंज करते हैं और फिर यहाँ से चलेंगे। फाइनली अभी 5 बज चुके हैं शाम के और देख रहे हैं क्रिकेट वगैरह भी खेल रहे हैं लोग यहाँ पे। मैं थोड़ा बाहर निकला हूँ घूमने के लिए, उसके बाद फिर जाएंगे। हवा काफ़ी अच्छी चल रही है, इधर मौसम काफ़ी अच्छा है। अभी कुछ फ्लावर्स हैं काफ़ी अच्छे हैं, देखो वाओ। भी हैं कुछ येलोइश है ना, काफी अच्छा लग रहा है। लगता है आ गई है। ओहो, वेलकम। थैंक यू। डिनर में बन रहा है वही छोले जो आपको दिखाए थे आज दोपहर में, हमने जो बनाए थे फिर से उसको गर्म कर दिया है और अभी ये बना रही हैं रोटी, रोटी छोले और थोड़ा सा जो चावल बचा है वो करेंगे और फिर फीडबैक जानेंगे इस मैम से। हाँ, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने फोटो में देखा तो बहुत ही यम्मी दिख रहे थे, अब देखना है रियल में कैसे है। यस, रियल में तो मुझे अच्छा लगा है, अब देखते हैं इनका क्या एक्सपीरियंस रहा। नई रेसिपी मेरे पति द्वारा। तो गाइस आज 3 बार आप लोग हमारे साथ बने रहे हैं, 8 मिनट की टोटल वीडियोस हो चुकी है, अभी तक फीडबैक नहीं मिला है। तो फाइनली मैंने मैम को रिक्वेस्ट करा है, सॉरी फॉर दैट, आज 3 बार मतलब आपको सिर्फ खाने की वीडियोस ही व्लॉग ही दिखाया आपको। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लाइक पूरे सैटरडे संडे तक, रुक जाओ एक मिनट बात कर रहे हैं अभी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लाइक ट्रैवल व्लॉग हम लोग डालते हैं, बस थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन होने के लिए आप लोगों के साथ और ज़्यादा बात करने के लिए हम लोग सोचे हैं कि संडे को डेली व्लॉग शुरुआत करेंगे
और हर संडे या सैटरडे को आपको डेली व्लॉग एक मिलेगा। ठीक है, तो गाइस बने रहिए क्योंकि पता नहीं कौन कौन सी नई नई रेसिपी बनाकर मुझे भी अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है एक्चुअली, मुझे नई नई रेसिपी खाने को मिलेगा। तो चलिए अब ये टेस्ट करिए, पहले तेज पत्ता टेस्ट करोगे क्या? फेंकना है ना इसलिए। बताओ बताओ बताओ, बहुत टेस्टी है। क्या क्या डाले उसमें है मसाले? मैं तो सोची थी कि मेरे से ज्यादा टेस्टी नहीं होगा, इसलिए मैंने मसाले का आपको नहीं बताया वीडियो में, क्योंकि ये मसाले देख लेगी ना फिर मेरा जो है सीक्रेट वो चला जाएगा, इसलिए मैंने बस प्याज काटा और डाल दिया, मैंने मसाले का सीक्रेट नहीं दिखाया कि कौन सा डाला है। अब अच्छा है, मेरे खाने से खाना बनाने से छुट्टी हो गई। तो गाइस इसी के साथ ही ये वीडियो एंड करते हैं हैप्पी मोमेंट के साथ, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर। और इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इससे ज्यादा ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है। हाँ, क्योंकि सुबह 7 बजे से मैं लगा था, अभी ये वीडियो एंड कर रहा हूँ, लगभग मुझे लगता है कि 8 से 10 घंटे वीडियो बनाई है, जो कि 10 मिनट में आपको या 15 मिनट के अराउंड आपको दिखाई। जल्दी रखो, मैं पूरा खाने वाली, मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। थैंक यू गाइज, बाय बाय।